मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ। सभी जानते हैं कि मैं इसे कभी नहीं रोकना चाहता। तुम्हें पता है मुझे ये अजीब एहसास होता है कि हम दोनों एक दूसरे को रियल जिंदगी में जानते हैं। सिली कैट, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे आकर्षण और वाक्यों में ही एक मील दूर से नजर आ जाता होगा। तुम्हें नहीं पता कि एक मैन क्या ड्रीम देख सकता है, राइट? प्लीज माय लेडी, 5 साल हो चुके हैं, मुझे तुम्हें सच में देखने की जरूरत है। मैं जानती हूँ चैट, तुम देखोगे, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, पर अभी जब मैं रेडी हो जाऊंगी तब। ओके, मैं तुम्हारे लिए अनंत काल तक इंतजार करूंगा। ऐसा होगा, मैं महसूस कर सकता हूँ। मैं बस पहुँच ही गई, जल्दी मिलते हैं। ओह मैरी, तुम्हें दोबारा देख के बहुत अच्छा लगा। तुम्हें भी आलिया। तो क्या तुम एक्साइटेड हो हमारे वीकेंड के बाहर जाने के लिए? मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे अंकल ने बाहर के शहर में अपना कैबिन यूज करने के लिए दिया है। हाँ, बस गर्ल्स वीकेंड, पढ़ाई के बाद मुझे इसकी बहुत जरूरत थी। वेल, इसके बारे में। Hey, Marinade, बहुत टाइम से नहीं देखा। देखो, नीनो भी हमारे साथ आना चाहता था, तो इसीलिए एड्रियन भी फ्री था, तो वो भी हमारे साथ ही आएगा। हाई स्कूल ग्रेजुएट करने के बाद मैंने एड्रियन को तब से नहीं देखा। मेरा मतलब, मैंने देखा सारे टाइम बस फैशन मैगजीन में। एक्चुअली अभी हम इस एज में है कि अभी हम सबकी लाइफ बिजी है। हाँ, मैं अब चैट के साथ हूँ और ये बहुत टाइम हो चुका है, पर मैं अभी भी एड्रियन के लिए फील करती हूँ, पर वो अब कोई और है जिसमें मुझे अब कोई इंटरेस्ट नहीं है। फाइनली मैं खुश हूँ। हे एड्रियन, तुम अच्छे दिख रहे हो। सो तुम गाइस रेडी हो? चलो कार में सामान भरते हैं और चलो चलते हैं। हे गर्ल, मैं आशा करती हूँ कि एड्रियन के बगल में बैठने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नीनो म्यूजिक कंट्रोल करना चाहता है। ना, नहीं होगी। हे, तुम सच में बाहर लग रही हो, क्या तुम ठीक हो मैरिनेट? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे बस किसी की याद आ रही है। ओह, कोई स्पेशल? बहुत स्पेशल, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरी लाइफ में। फिर तो उसे सबसे ज्यादा लकी होना चाहिए। हर किसी को पता है कि मैं किसी के साथ हूँ, पर मैं नहीं बता सकती कि मैं चैट के साथ हूँ, क्योंकि आलिया, एक फेमस लेडी ब्लॉगर, ने पूरा आर्टिकल लेडी वर्क और चैट न्यूयॉर्क के साथ होने का लिखा है। ओके, हम पहुँच गए। ये तो ब्यूटीफुल है। चलो यहाँ सेटल होते हैं। मैं ठंडे को पकड़ने जा रहा हूँ, क्या किसी को कुछ चाहिए? मैं करूँगा मैरिनेट, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मैं मुझे नहीं पता। मुझे यकीन है कि यहाँ किसी को चोट नहीं पहुँचेगी, है ना? That's the spirit. Group selfie time. ये लड़की मैरिनेट कभी भी घूम रही है, अपना पूरा वीकेंड एड्रियन के साथ गुजार रही है, और इसने मुझे बुलाना भी सही नहीं समझा, और ये बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, मत, मैं हूँ लाइला। तुम श्योर हो कि तुम हमारे साथ वाटर में ज्वाइन नहीं होना चाहती? ओह, मैं होंगी, पर मैं वाटर में जाने से पहले वार्म होना चाहती हूँ। मैं बस थोड़ी देर धूप सेकना चाहती हूँ। ओह, मुझे लगता है मैं इसे बदल सकती हूँ। ये ठंडा है। तुम्हें पता है तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम्हें पता है तुम मुझसे प्यार करती हो। बिल्कुल नहीं, इस विचार को अभी बाहर निकालो। बिल्कुल नहीं। ओह मैन, अकुमा अटैक, मुझे लेडी ब्लॉक की फिल्म के लिए जाना होगा। नीनो, तुम मेरे साथ आ रहे हो? हाँ। मैरिनेट, क्या तुम आना चाहती हो लेडी ब्लॉक और चैट न्यूयॉर्क का एक्शन देखने के लिए? मुझे लगता है कि मेरे पास बहुत सारे कूलर है, तो मैं बाहर बैठ के चिपकी लेने वाली हूँ। सेम, मेरा मतलब मैं भी यही रुकूंगा, मैं भी थोड़ा थक चुका हूँ। राइट, हो सकेगा तो हम जल्दी आ जाएंगे। वेल, मैं चिपकी लेने नीचे जा रहा हूँ। सिया ब्लैक क्लॉज आउट, ठीकी स्पॉट्स ऑन। कहाँ जाने की सोच रही हो आलिया? अभी तो पार्टी बस शुरू ही हुई है। तुम चाहती क्या हो पोलपीना? तुमने मुझे अपने वीकेंड्स में नहीं बुलाया, और पूरे के पूरे तीनों नाइट अपनी सिस्टर्स की बेबीसिटिंग करने के लिए मुझे दे दिया, जबकि तुम नीनो के साथ डेट पे जा रही हो, और तुमने मुझसे पूछा भी नहीं अगर मैं जाना चाहती थी तो। तुम अपने साथ मैरिनेट को ले गई, जिसे तुमने महीनों से नहीं देखा था। ये नॉट फेयर। लाइला, मेरा वो मतलब नहीं था, मैरिनेट मेरी बेस्ट फ्रेंड है, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हमने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कब तक नहीं किया है, इसमें तुम्हारी गलती है। अगर तुम्हें आना था तो तुम पूछ भी सकती थी। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे खतरा है।
इन लोगों को अकेला छोड़ दो बोल पीना। तुम नहीं समझ सकती लेडी बग, तो बट आउट। जैसे ही तुम मुझ पे अटैक करने की कोशिश करोगे, वो मरने के लिए टेलीपोल से गिर जाएगी। क्या, ये कैसे संभव है? फोटो पोस्ट करते वक्त तुमने अपनी लोकेशन डाल दी थी, जिसे किडनैप करना बहुत ही आसान था। मैरिनेट, अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं बिल्कुल भी नहीं हिलती। यही के इल्यूजन है, इस पर विश्वास मत करो। तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकती हो? मैरिनेट मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उसकी जिंदगी कभी खतरे में हो ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता। I'm sorry, my lady, पर मुझे जाना ही होगा। तुम्हें इस चालाकी की भरपाई देनी होगी। कहाँ पे है वो? बस अब बहुत हो चुका, मरने का समय आ चुका है। चाहिए और आराम करना चाहिए, तुम्हारे हेड पे हल्की सी लगी है। काश मैं तुम्हारी और मदद कर पाता। ना कोई ना, तुम तो अपनी दोस्त को बचाने की कोशिश कर रहे थे और यही वो चीज है जो मुझे बहुत अच्छी लगी है। See ya later। अच्छा ये लोग अभी तक घर नहीं पहुंचे, अब मैं बस आराम करूंगी। और वेट अ मिनट, कैटनी और यहाँ क्यों है और वो फ्रंट डोर क्यों यूज कर रहे हैं? ये कुछ ठीक नहीं। क्या वो मैरिनेट को देखने आया है? ओ, यानी मैं। स्पॉट्स ऑफ चैटनी और चैटनी और हाँ चैटनी और जैसा हैंडसम गाय यहाँ क्या करेगा? मैंने तो उसे यहाँ आते हुए देखा और यहाँ तो तुम। टेस्ट के लिए मुझे प्रूफ चाहिए, क्या ये तुम ही हो? मैं डॉक्टर नहीं हूँ पर तुम्हारी आंखें बहुत देर से रिस्पॉन्स कर रही है। ये अब माइक कीटी, ये तुम ही हो ना? मैरिनेट, अगर तुम मुझे जानती हो तो तुम्हें पता है कि मैं लेडीबग के साथ हूँ। हाँ मैं जानती हूँ, मैंने इसीलिए तो किया। टीकी बाहर आ जाओ। तुम लेडीबग? हे शुगर क्यूब लवबर्ड्स को जानने का समय मिल गया। तुम जानती थी? Well, मैं बहुत खुश हूँ मैरिनेट, मेरी बेस्ट फ्रेंड और मेरी गर्लफ्रेंड मुझे एक ही में ही मिल गई। तुम कह सकती हो कि मैं सबसे ज्यादा लकी कैट हूँ। मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। Hey guys, हम घर आ गए और मेरे पास awesome फुटेज है अकुमा टैग की। ये क्या है आलिया? Hey girl, तुम किसी और के साथ डेट नहीं कर रही थी? जब तुम कहीं चले गए थे तो यहाँ बहुत कुछ हुआ, ये हमारा लिटिल सीक्रेट है।